टुडेज रेसिपी इज अमृतसर पनीर पकौड़ा। आज का हमारा रेसिपी बहुत ही क्विक एंड बहुत ही ईजी होने वाली है। आपको ये यूजुअल पनीर पकौड़ा से थोड़ा डिफरेंट लगेगा और ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों की मौसम है और सर्दियाँ जाने से पहले आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताइए कि आपको ये पकौड़ा कैसा लगता है। देखिए, बाहर से एकदम क्रिस्प और अंदर से एकदम मॉइस्ट पनीर कॉटेज चीज़, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही बनाने वाले हैं हम। पूरी रेसिपी देखने से पहले हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आते रहें। एक बॉल लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून बेसन ले लेंगे। उसमें फिर हम 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर यानी कि जो चावल का जो पाउडर होता है उसे ले लेंगे। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। नेक्स्ट इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर। इसके साथ हम 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। नेक्स्ट हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन लेंगे और इसे हाथ में ऐसे मल के थोड़ा डालेंगे। इसमें हम 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा ताकि ये थोड़ा फ्लफी भी रहे, और स्वाद अनुसार नमक। 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक भी डाल देंगे ताकि ये फ्लेवरफुल रहे, और 1/2 टेबल स्पून लास्ट में लेमन जूस। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। देखिए बैटर का आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, आपको ऐसे दिखता है ये। अभी हम यहाँ पे पनीर लेंगे जो इंडियन पनीर होता है। इसे देखिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल पीसेस में कट करके रखी हूँ। पनीर को कट करने के बाद इसे रेफ्रिजरेटर में 10 मिनट्स के लिए ज़रूर रखें ताकि इसका मॉइस्चर जो है लॉक हो जाएगा। इसे अभी बैटर में एक के बाद एक ऐड करते जाएंगे और उसे अच्छे से चारों तरफ लगाते जाएंगे। ऐसे ही पनीर पीसेस को अभी हम ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे ऑयल अभी पूरा गर्म हो चुका है, इसमें एक के बाद एक हम पनीर डालते जाएंगे। लो फ्लेम में नहीं रखिए, पूरा हाई फ्लेम में रखिए और अच्छे से पनीर को चारों तरफ से डीप फ्राई कर लेंगे। एक साइड जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे दूसरी तरफ पलट दीजिए। देखिए ये पास से कितना सुंदर गोल्डन कलर दिख रहा है। अब ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसे बाहर निकाल देंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है। आप जो कोई भी आपके पसंदीदा चटनी या फिर सॉस या फिर मेयोनेज़ इसके साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए और हमें ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये पकौड़ा कैसा लगा है।